जय श्री राधे। जय निताई। ब्रज भक्ति के अंगों के अंतर्गत 34वां अंग है त्रिकाल जप। जप शब्द का अर्थ है उच्चारण। उच्चारण मन मन में भी हो सकता है और उच्च स्वर में भी। उच्चारण भेद से जप तीन प्रकार का माना गया है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। आइए इसको विस्तार से लेते हैं। प्रथम है वाचिक जप। वाचिक जप, जिस जप में उद्दात, उद्दात अर्थात उच्च उच्च स्वर से, और अनुद्दात, अनुद्दात माने नीचा, और स्वरित स्वरों से स्पष्ट भाव से अक्षर उच्चारण करते हुए मंत्र उच्चारण किया जाता है, उसे वाचिक जप कहते हैं। दूसरे शब्दों में उच्च कीर्तन को ही वाचिक जप कहा जा सकता है। उपांशु जप, जिस जप में मंत्र धीरे धीरे उच्चारण किया जाता है, होंठ थोड़े थोड़े हिलते हैं और मंत्र केवल अपने कानों से सुना जा सके, उसे उपांशु जप कहते हैं। मानस जप, अपने बुद्धि योग से मंत्र के एक अक्षर से दूसरे अक्षर का एवं एक पद से दूसरे पद का जो चिंतन है, तथा उनके अर्थों का चिंतन करते हुए बार बार आवृत्ति करना है, उसका नाम मानस जप है। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने कहा है कि वाचिक जप कीर्तन अंग के अंतर्गत है और मानस जप स्मरण अंग के अंतर्गत है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में कहा है कि नाम स्मरण की विधि जावाली संहिता आदि में इस प्रकार वर्णन की गई है कि जो अनेक प्रकार का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वे सदा श्री हरि के श्रेष्ठ नामों का जप, ध्यान, गान एवं कीर्तन। किंतु नाम स्मरण में तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता, परंतु नाम संकीर्तन चित्त शुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता है, इसलिए नाम संकीर्तन से नाम स्मरण दुर्लभ है और नाम संकीर्तन की अधिक महिमा है। अतः सदैव नाम संकीर्तन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। संकीर्तन एक तो कलिकाल का धर्म है, दूसरे हाथ से ताल बजाते हुए अकेले ही सही जोर जोर से संकीर्तन करने पर हमारा तो कल्याण होगा ही, वातावरण शुद्ध होगा एवं जिनके कान में यह संकीर्तन पड़ेगा वह भी पवित्र हो जाएगा। कदाचित यह अवसर न बन पड़े तो जोर जोर से बोलकर माला का आश्रय लेते हुए नाम जप करना चाहिए, जिससे नाम जप भी होगा और श्रवण भी होगा। माला या जप का जो महत्व है वह तो है ही, मनोवैज्ञानिक रूप से भी एकाग्रता को बढ़ाते हैं यह साधन। 2 घंटे माला करने के बाद माला छोड़ने पर भी कुछ समय तक स्वतः ही जप चलता रहता है, ठीक वैसे जैसे लंबी यात्रा करके ट्रेन से उतरने के बाद भी लगता है कि ट्रेन अभी चल रही है। श्री गुरुदेव प्रदत्त मंत्र आदि का सदैव मन मन में जाप करना चाहिए, साथ ही माला को सदैव झोली में डालकर जप करना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है कि खुले माला करने से, मतलब बिना झोली के ऐसे ही हाथ में कई लोग लटका के चलते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, उसका फल व बल आसुरी शक्तियां अपनी ओर खींच लेती हैं। अतः माला सदैव झोली में ही करनी चाहिए। जय श्री राधे। जय निताई।